हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ नेक्स्ट। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट, अगर आप सिंगल हो या आप किसी का वेट कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपके लिए जाना जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है या नहीं। और अगर आपका सेपरेशन हो गया है, आप किसी के साथ सेपरेशन रिलेशन में थे बट अब सेपरेशन हो चुका है और काफ़ी टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि उन्हीं के साथ आपकी लव लाइफ आगे चले, सो डेफिनेटली ये भी जाना जाएगा यहाँ पर आप सभी के लिए। मतलब जो भी सिचुएशन में आप हो, चाहे आपकी डिवोर्स की बात चल रही हो, सेपरेशन में हो, सिंगल हो, आपकी लव लाइफ देखी जाएगी यहाँ पे। ये रीडिंग आपकी लव लाइफ के लिए होने वाली है। ओके सो गाइज, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड सभी साइंस के लिए। ओके तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में इन नेक्स्ट। गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अब हम रीडिंग देखते हैं क्या आती है आपकी, निकल के क्या है आपकी लव लाइफ। वाओ, एक कार्ड आ गया है गाइस। वी हैव द लाइफ पर्पस। मे बी आप में से काफी सारे लोग अपने ट्रू सोलमेट को ढूंढ रहे हो या अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो। मैं यहां से देख ही पा रहा हूँ कि यस, आप अपने सोलमेट को ही ढूंढ रहे हो जो आपका लाइफ का पर्पस है। बिकॉज हम यहाँ पर लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आए, आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आए और आपके साथ वो अपनी लाइफ शेयर करें। सो डेफिनेटली अगर जो लोग सिंगल्स हैं एंड वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, अपनी लाइफ पर्पस को खोज रहे हैं, अपने सोलमेट को खोज रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आने वाला है। ओके, वी हैव द गार्डन। सो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या फिर जिसके साथ भी आपकी लव लाइफ चल रही थी और अब आप सेपरेशन में हो, सो डेफिनेटली वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, काफ़ी वर्क कर रहा है अपने फाइनेंसिस पे एंड इवन अपने सेल्फ पर भी, अपनी अवेकनिंग के लिए। क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि द गार्डन यहाँ पर आया है। सो डेफिनेटली ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो स्पिरिचुअल ही होगा। अगर आप पास्ट में इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे और आप इस पर्सन को जानते हो या फिर ये आपके हस्बैंड रहे हैं या आपकी वाइफ रही हैं, सो डेफिनेटली ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा अपनी अवेकनिंग में लगा हुआ है एंड वर्क कर रहा है अपने ऊपर, ताकि जब भी आपकी लाइफ में वापस आए तो आपके साथ एक बहुत ही फ्रूटफुल आउटकम निकाले, काफ़ी मतलब अच्छा चले आपका रिलेशनशिप। तो चलिए और देख लेते हैं, एक बार कार्ड्स निकाल लेते हैं अच्छे से, देन फिर बताएंगे आपको अच्छे से। ओके, वी हैव द डिस्ट्रॉटेड फेमिनिन। ओके, वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन। वाओ, एक कार्ड और लेंगे गाइस, देन फिर स्टार्ट करेंगे बताना। वी हैव सोलमेट्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इनर पीस। सो डेफिनेटली आप में से काफी लोग, मैं देख सकता हूँ कि पास्ट में इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे एंड काफी लोग जो सिंगल्स हैं, जो वेट कर रहे हैं अपने ट्रू सोलमेट का, तो उनकी लाइफ में तो देखिए सोलमेट आने वाला है। ओके, एंड आप वेट कर करके अपने पर्सन का बहुत ज्यादा इस टाइम पर परेशान हो चुके हो। मैं देख पा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो हमारे डीएम है, बहुत ही प्योर एनर्जी में है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है और बहुत ही पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए। एंड इवन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन यहाँ पर एनर्जी आई है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि आप अभी बहुत ही नेगेटिव चल रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट कर रहा है, अपनी लव लाइफ के लिए आगे वर्क कर रहा है, बढ़ रहा है, एक माली की तरह वर्क कर रहा है ये पर्सन। ये वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएगा आगे चल के, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अभी तक ये पर्सन भाग रहा था। ओके, एंड द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यस, आपको थोड़ा सा और अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आपको इनर पीस की ज़रूरत है, आपको इनर पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने इनर पीस को
मेंटेन कीजिए ताकि आप भी डिवाइन की एनर्जी में आ सकें, बिकॉज वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन एंड रिस्टोर्ड फेमिनिन। देखिए दोनों की एनर्जी यहाँ पर आई है और सोलमेट कार्ड भी आया, सो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो। सो आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, ओके? एंड डेफिनेटली जो भी सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में तो सोलमेट आने वाला है, तो आप तो खुश हो जाइए, ओके? चलिए साइकिक से देख लेते हैं एक बार आपके लिए क्या आता है निकल के, साइकिक टैरोट से देखते हैं, ओके? चलिए, सॉरी, ओ चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है साइकिक टैरोट से आपके लिए। चलिए, ओके, ओके, वी हैव बैलेंस, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड सफरिंग इन साइलेंस, ओके। वी हैव मेमोरीज ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप्स, एंड वी हैव इमोशनल लॉस एंड हार्ट एक, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पावर। सो डेफिनेटली क्लियरली यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है, बैलेंसिंग लाइए अपनी लाइफ में, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ओके? बैलेंस लाएंगे तभी डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि आप बैलेंसिंग नहीं ला पा रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि डिस्टॉर्टेड फैमिलिन की एनर्जी आई है। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, सो डेफिनेटली आपको बैलेंस की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में चल रहे हैं, वो बहुत ही ठीक एनर्जी में चल रहे हैं। वो अगर आपके पास वापस आते हैं या आती हैं, सो डेफिनेटली वो बहुत ही बैलेंसिंग के साथ आएंगे, बट आपको ज़रूरत है थोड़ा सा बैलेंस लाने की अपनी लाइफ में। आप इसे एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, या आपके लिए गाइडेंस है। एंड इवन आपको पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। आप पेशेंस रखिए, प्लानिंग कीजिए अपनी लव लाइफ के लिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर आप अभी साइलेंस में सफ़र कर रहे हो, तो ये साइलेंस बहुत जल्द खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। हार्ट एक एंड लॉस फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये हार्ट एक एंड लॉस खत्म होगा, क्योंकि देखिए चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं वर्स्ट रहती हैं, वो चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, टाइमिंग आती है, गॉड टाइमिंग आती है, और उसके बिहाफ पर ही सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक होता है। तो डेफिनेटली ठीक होगा। अगर आप अभी सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उस साइलेंस से बाहर निकल के बातचीत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं, खुद में रहते हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने आप को बाहर से देखने की, अपने आप को बाहर से एक्सप्रेस करने की, मतलब अपने आप को बाहर ले जाइए, लोगों से मिलिए, फ्रेंडशिप कीजिए लोगों से, नए नए लोगों से मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। एंड आपकी जो मेमोरीज है ना लव की, वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि बार बार आपको याद आती है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो आपको अपने इमोशंस को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर बैलेंसिंग का कार्ड आया। तो डेफिनेटली आप बैलेंसिंग करोगे तो आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं क्या आता है आपके लिए निकल के। ओके, वी हैव कम्युनिटी, केयरिंग कनेक्शन एंड हीलर ऑफ द एजेस। ब्रोकन हार्ट, ओके, वी हैव द थिंकिंग मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एनवी, ओके। सो गाइज डेफिनेटली आपको बाहर निकलने की जरूरत है, फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है, बिकॉज वी हैव कम्युनिटी। आपको लोगों से घुलने मिलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला रखते हो, साइलेंस में रहते हो, सफ़र कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है नए लोगों से मिलने की, नए लोगों को जानने की, नए लोगों से बातचीत करने की, ओके। एंड वी हैव केयरिंग कनेक्शन, तो डेफिनेटली आप दोनों का बहुत केयरिंग कनेक्शन होगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन बनाओगे आप, बहुत ज़्यादा। हीलर ऑफ द एजेस मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं आपको हीलिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है, बिकॉज आपका भी दिल टूटा हुआ है। एंड द थिंकिंग मैन मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच रहा है आपके लिए, एंड डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेगा, ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं टैरोट से क्या आता है आपके लिए, यहाँ से हम निकालेंगे आपके क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, व्हाट विल हैपन। एंड गाइज हाँ, वी हैव एनवी, सो डेफिनेटली अगर आपको बहुत ज़्यादा जेलिसी होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपको अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है, और अपनी
पॉजिटिविटी को समझने की ज़रूरत है, आपको इस सिचुएशन में पहुंचने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके वी हैव द डेविल कैप्रिकॉर्न, वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, we have five of cups and three of pentacles and bottom of the deck we have ace of wands. okay so guys definitely मैं devil से देख पा रहा हूँ कि आपसे ये person बहुत ज़्यादा attach है, बहुत ज़्यादा attach है, detach होके भी बहुत attachment रखता है, बहुत desires हैं, even आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा attract करते हो हर level पर. and five of swords मुझे दिखा रहा है कि yes आपकी ना बहुत लोगों से अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत लोग आपके आसपास ऐसे बने हुए हैं जो आपको आपके relationship के लिए आपको गाइड करते हैं या फिर आपकी लाइफ में क्या मचा देते हैं, या फिर आपकी अभी इस रिसेंट में ही इस पर्सन से भी लड़ाई हुई है अगर आप इस पर्सन को जानते हो. ओके सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके आसपास ऐसे लोग बने हुए हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए. ओके एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन के साथ उनकी लड़ाई हुई हो. बट मैं सेवन ऑफ सोर्ड्स से देख पा रहा हूँ क्लियरली कि ऐसी पर्सन इन एंड आउट तो अभी भी होता रहता है, अभी भी हो रहा है इन एंड आउट, बट सिचुएशन आगे चल के बहुत ही ठीक दिख रही है मुझे बिकॉज वी हैव फाइव ऑफ कप्स. तो बहुत परेशान भी है पर्सन आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है ये पर्सन आपके लिए. मे बी इसको रिग्रेट होता है, अगर ये इन एंड आउट भी करेगा ना तो आगे चल के ये समझ जाएगा कि यस इसको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज फाइव ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि ये बहुत परेशान हो जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरफ जाऊँ क्या करूँ. एंड डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत परेशान हो जाएगा क्योंकि आपको दुख में नहीं देख पाएगा ये पर्सन शायद, अब मुझे यहाँ से दिख रहा है. एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग तो इस पर्सन से करियर लाइफ में मिलोगे अपने, या फिर कुछ लोग स्कूल से मिले हुए हैं, या फिर कुछ लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, या फिर किसी सेलिब्रेशन पे या फिर किसी पार्टी में डेफिनेटली आप दोनों का मिलना होने वाला है. चलिए एक थोड़े से और कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए. वी हैव द टावर, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स. ओके ये तीन कार्ड है गाइस, मुझे एक ही चाहिए. चलिए ठीक है हमारे पास आ गया टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेम्परेंस. सो डेफिनेटली अगर ये पर्सन आपसे मिलता है और आपसे बातचीत करता है और अगर आप दोनों उस टाइम पर एक दूसरे से न्यूट्रल होके टेम्पर को डाउन करके अपने आप को बैलेंसिंग में ला के बातचीत करना, ओके नहीं तो टावर मूवमेंट हो सकता है. ये मैंने नेक्स्ट एक्शन के कार्ड निकाले हैं कि क्या होगा ओके लव लाइफ में. सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकता है गाइज अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे. ओके बट विक्ट्री मिलेगी आपको अगर आप बैलेंसिंग कर लेते हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी मे बी शादी भी हो सकती है दोनों की एक साथ और कमिटमेंट भी दे सकता है ये पर्सन आपको. सो आप परेशान मत होना अब कि कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, पेन में चले जाओ, कभी फिर दोबारा ये सोचो कि मेरी फैमिली अब तक क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों मुझे ये पर्सन अभी तक नहीं मिला, मैं इसका इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पर्सन आ जाएगा और आपको कमिटमेंट मिलेगी. ओके हैप्पी फैमिली होगी आप दोनों की. सो बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा. थोड़ा सा हार्ड है आपका ये टाइम, अभी थोड़ा सा हार्ड टाइम चल रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, बट यस चेंजेस आएंगे, चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, एकदम से नहीं होता. ओके सो टाइम लगेगा बिकॉज यू आर इन अ डिस्ट्रॉयड फैमिलीन एनर्जी, तो आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी. ओके देन आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा. ओके सो ये थी आपकी आज की रीडिंग. अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर बेल आइकन को दबा देना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी. ओके मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय.